दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक रेडमी का 4X है और इसमें एम आई अकाउंट लगा हुआ है और आपको दिखाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इसमें एम आई अकाउंट हटाने के बाद FRP भी लग सकती है, तो आप इसमें आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम सारा चीज आपको यहाँ पे दिखाएंगे। रेडमी का ये 4X फोन है, ठीक है। हम आगे देखते हैं इसमें अकाउंट, पहले तो इसके एम आई अकाउंट हटाएंगे, उसके बाद अगर FRP लगती है तो हम इसकी FRP भी हटाएंगे, हम उसको UMT से इजीली हटाएंगे और सारी चीज़ें। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो हम आप MI की 5A की इसकी MI अकाउंट हम आपको हटा के रिमूवली दिखाते हैं लाइव। तो चलिए ठीक है, तो अब उसके बाद हमको आपको डिवाइस मेजर खोल के रखना है। डिवाइस मेजर हम इसलिए खोल के रखते हैं दोस्तों क्योंकि हमें यार ये बूट बना रही है कि नहीं बना रही, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारा बूटिंग में ही होता है, क्योंकि फ़ोन तो दिखा देता है बूट कॉलकॉम पोर्ट दिखा देता है पर वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो MI के जो फ़ोन है वो EDL मोड पर काम करते हैं, तो मैं सबसे पहले फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। और हम उसको MI को EDL मोड पे कनेक्ट करेंगे। तो EDL मोड कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन में टेस्ट पॉइंट दिख रहा होगा, तो उस टेस्ट पॉइंट में आपको टेस्ट करना है और USB को इंसर्ट करना है। तो पहले सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि हमारे ड्राइवर्स डिटेक्टनेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉलकॉम का पोर्ट बना लिया है, ये सारी चीज़ें। अब हम UMT खोलेंगे और UMT में देखेंगे कि क्या होता है। UMT में हमें जाना है। अब UMT में जाने के बाद हमें यहाँ पे Xiaomi स्पेशल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है दोस्तों? Xiaomi स्पेशल। अब वो Xiaomi स्पेशल पे आपको जाना है। अब Xiaomi स्पेशल पे आपको जाने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेट MI अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? रिसेट MI अकाउंट। अगर नहीं होता तो आप डिसेबल MI अकाउंट करेंगे। बट अगर सबसे पहले जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कॉलकॉम पोर्ट हमारा QD-Logon 9008 बना लिया है, अगर कभी लोडर का एरर आया तो उस फ़ोन का आप उसमें ऑटो लोडर फाइल fireas.mbn फाइल दे सकते हैं। तो फ़ोन हमारा कनेक्टेड है। अब हमें केवल रिसेट MI पे क्लिक करना है और यस करना है और ईजिली इसकी 5A की MI अकाउंट रिमूव हो जाएगी। देखते हैं, कॉलकॉम पोर्ट हमारा बना लिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये यहाँ पे पोर्ट बना चुका है, लोडर भी ओके है और सारी चीज़ें ओके हैं। डिटेक्ट चिप टाइप ओके, हाई स्पीड यूजर डाटा इनको चाहिए वार्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी इजली MI अकाउंट रिमूव हो चुकी है, प्रिपेयरिंग डाटा हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें, और ये देखिए जो फ़ोन है ये Redmi का 4X है। ये Redmi का मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये Redmi का 4X फ़ोन है, Redmi 4X, जो कि इसकी FRP तो नहीं, MI अकाउंट इसका जो भी है इजिली रिमूव हो जाएगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ दिखा रहे हैं। फिनिश्ड हो गया है, अब हम निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा कम्प्लीट हो चुका है। Redmi 4X फ़ोन था, फ़ोन हमारा रिबूट हो चुका है, रिबूट हो गया है। ये इसकी प्रोसेस हम आपको अभी आगे दिखाएंगे अपने। इसकी प्रोसेस दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये इसलिए रिमूव हो चुका है, तो आगे का हम दिखाते हैं आपको चालू करके। तो 4X को आपको कुछ नहीं करना था, Xiaomi स्पेशल में जाना था और यहाँ पे रिसेट MI करना था और आपका ये 4X ईजिली रिमूव MI अकाउंट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे देखिए कि हमारा जो MI अकाउंट लगा था वो हटा कि नहीं हटा। दोस्तों ये वही सेट था जो कि हमने आपको दिखाया, और हमने आपको एक पिक के माध्यम से दिखाई थी, और मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ कि इसका टेस्ट पॉइंट यहाँ पे जो दो टिप्स दिख रहे हैं यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट है। अब हम इस फ़ोन को ऑन करते हैं, बैटरी को हमने लगा दिया है, अब इस फ़ोन को ऑन करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो MI अकाउंट था वो हटा कि नहीं हटा। फ़ोन को ऑन करते हैं, हम देख सकते हैं वही सेट है, ये जो Redmi 4X, ये 4X है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये 4X का बोर्ड है, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें अपना वर्क हुआ कि नहीं हुआ।
ये हमारा एंड्रॉयड लेके बूटिंग कर रहा है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमने बताई है कि आपको इसमें ड्राइवर्स क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। तो ये थोड़ा सा बूट करने में टाइम लगाएगा दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी हमारे चैनल में फेक वीडियो नहीं बनती है, आप इससे सीख भी सकते हैं। और आपको एक प्रॉपर वे में काम सीखना है तो आप एसर टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फोन हमारा ऑन हो चुका है। अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए इसमें जो MI अकाउंट लगा था वो MI अकाउंट इजिली रिमूव हो चुका है दोस्तों। अब इसमें MI अकाउंट जो भी था MI अकाउंट अब नहीं आएगा। MI अकाउंट जो था वो इजिली रिमूव हो चुका है। अगर MI अकाउंट आना होता तो ये तुरंतली रिसेंटली तुरंत आ जाता है, क्योंकि इसमें फिर भी कोई टैब काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर भी मैं ये आपको वीडियो पूरा दिखाऊंगा, लास्ट तक दिखाऊंगा कि आप इसमें इजिली ये रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअल में सारी चीज़ें आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप ही करके दिखा रहे हैं, कोई भी फेक वीडियो नहीं है, वही फ़ोन है। फाइनली सेटअप देख सकते हैं दोस्तों, हो चुका है। जैसा कि आप देखा कि आप पहले हमने इसकी MI अकाउंट हटाई थी। MI अकाउंट हटाने के बाद अब इसकी FRP हटाएंगे। तो FRP हटाने के लिए आपको, क्योंकि कॉलकॉम है इसलिए हमने वही टूल को यूज़ किया हुआ है। और जैसा कि हमने MI अकाउंट हटाया था पहले, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसकी FRP। तो आपको FRP के लिए आप प्रॉपर मॉडल भी ले सकते हैं। अगर इसकी मॉडल है तो आप प्रॉपर इसकी मॉडल ले लें सारी चीज़ें। तो ये हमारा सौमी ब्रांड होगा, सौमी। अब देखते हैं 4X, MI 4X, ये 4A है। और देखते हैं ये Redmi 4X, Redmi 4X हमने ले लिया है। और इसको FRP रिसेट पे हम क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे। और इसकी FRP वही EDL जैसे हमने कि दिखाया था। EDL आपको शुरू में बस EDL पोर्ट पे आपको कनेक्ट करना है। तो EDL के लिए टेस्ट पॉइंट हम लगाएंगे और फ़ोन को इजीली कनेक्ट करेंगे। तो हम ये फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं। आप टेस्ट पॉइंट, जैसा कि हमने टेस्ट पॉइंट्स को फाइंड आउट, ये देखिए फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वीडियो फेक नहीं है, क्योंकि हमने पहले आपका MI अकाउंट हटाया है आपके सामने, उसके बाद इसकी FRP हटाई है इजिली। ठीक है, तो देखिए वही Redmi X जो कि पहले हमने इसकी हटाई थी MI अकाउंट, उसके बाद हम हटा रहे हैं इसकी FRP। तो फिनिश हो चुका है, रिबूट हमारा फ़ोन हो चुका है, डाटा केबल से लगा हुआ है। अब वो प्रोसेस तो हम नहीं दिखाएंगे, लास्ट के एंड में जा करके इस फ़ोन को हम आपको चालू करके दिखाएंगे कि फ़ोन हमारा चालू हो रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि पहले इसकी हमने MI अकाउंट हटाई, फिर ये FRP पे चला गया था। FRP पे जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें। अब ये फ़ोन प्रॉपरली देखिए ऑन हो चुका है। ये वही सेट था, ये जो मैं आपको दिखा दूँ Redmi 4X, ये वही सेट है जो कि आपने देखा है सारी चीज़ें। ये यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट था और ये देखिए फ़ोन प्रॉपरली तरीके से ऑन हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।